क्या लोकसभा उपचुनाव में राजभर ने पंचर की अखिलेश की साइकिल? समाजवादी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठबंधन जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि अब दोनों ओर से जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि बेटे अरविंद राजभर को MLC न बनाए जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा उपचुनाव में भीतरघात किया है। सपा के तरफ से आरोप लगाया गया है कि ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट ट्रांसफर कराया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के बीच गठबंधन अब नाम भर कर आ गया है। सपा और सुभाषपा के बीच ताबड़तोड़ जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इस बीच योगी सरकार की ओर से ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद सपाइयों ने लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पर लोकसभा उपचुनाव में भीतरघात का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया है कि राजभर की वजह से सपा की उपचुनाव में हार हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि बेटे अरविंद राजभर को MLC न बनाए जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा उपचुनाव में भीतरघात किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट ट्रांसफर कराया है। आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर बाहुल्य क्षेत्रों में सपा की तुलना में भाजपा को 2 गुने मत मिले हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में सपा इन बूथों पर भाजपा से 3 गुना मत अधिक पाई थी। सपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद एक बार फिर गठबंधन की दरार बढ़ गई है। बता दें कि यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा ने सपा को हराया था। इसके पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा था कि अगर उन्होंने सरकार की मदद की है तो निश्चित तौर पर सरकार भी उनकी मदद करेगी। अगर यही होना था तो हमारी पार्टी पर इतना आरोप प्रत्यारोप लगाने की क्या जरूरत थी? सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी सरकार के साथ खड़े थे तो पहले ही बता देते। ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षा की पहले से ही जरूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि वाराणसी में जब उन पर हमला हुआ था तब हम सुरक्षा मांगने भी गए थे। शायद तब सरकार को नहीं लगा था कि उन्हें सुरक्षा देना बेहतर होगा। अब क्योंकि वह सरकार के साथ खड़े हैं तो सरकार को उनके साथ खड़ा होना लाजमी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज, दस्तक।